जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ दैनिक राशिफल। आज की वीडियो में बात करेंगे हम मई महीने के आखिरी दिन के बारे में। आज तारीख है 31, यानी मई महीने का आखिरी दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी जिनसे आपके जीवन में धन, सौभाग्य और समृद्धि में जो है उसकी वृद्धि होगी। साथ ही ये जो उपाय हैं, इन उपायों को आप आसानी से कर पाएंगे। वास्तुशास्त्र के उपाय हैं, मैं आपको बता दूं, जो आपके जीवन में सुख शांति को भी लेकर आएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। तारीख है 31, दिन है सोमवार, माह है ज्येष्ठ, पक्ष है कृष्ण, तिथि की बात करें तो है षष्ठी, नक्षत्र है श्रवण, चंद्रदेव आज मकर राशि में रहेंगे। वहीं अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 11:51 से 12:46 तक शुभ मुहूर्त है। राहु काल की बात की जाए तो 7:07 से 8:51 प्रातःकाल में राहु काल होगा। दिशाशूल आज पूर्व दिशा में है। वहीं चंद्रबल की बात की जाए तो मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशियों में चंद्रबल देखने को मिलेगा। सूर्योदय प्रातः 5:23 पर तो सूर्यास्त शाम को 7:13 पर। ये पंचांग की जानकारी थी जो आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगी। बाकी अब बताएंगे आपको आपका राशिफल, जो कि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, बहुत सारे हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं जिनका समाधान कर पाना कभी कभी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लाख कोशिशों के बाद भी वो जीवन की हमारी परेशानियां जो हैं वो दूर नहीं होती। तो अगर उनको दूर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ये लिंक है एस्ट्रोसेज वार्ता का, जिसके द्वारा आप हमारे पैनल पर पहुँचेंगे और वहाँ देश और दुनिया के अनुभवी और विद्वान ज्योतिषी मौजूद हैं जो आपको बहुत ही सटीक और आसान उपाय बताएंगे जिससे आपकी समस्याएँ दूर हो जाएंगी। बाकी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा था कमेंट बॉक्स में कि धन सौभाग्य कैसे बढ़ेगा, समृद्धि कैसे आएगी, जीवन में सुख शांति कैसे आएगी, तो आप ही के सवालों को आज मैंने शामिल किया है। और मैं ऐसे सवाल जो है लेना पसंद करती हूँ जिससे बहुत सारे लोगों को लाभ मिले। जेनरिक ऐसे सवाल होने चाहिए। आपके जो पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं इस वीडियो में शामिल इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं आपकी निजता का सम्मान करती हूँ और साथ ही ये किसी व्यक्ति विशेष का शो नहीं है, बहुत सारे लोग देखते हैं। इसीलिए मैं ऐसे कोई सवाल उठाती हूँ जो जेनरिक है और बहुत सारे लोगों को लाभ मिल सके। तो चलिए अब पहले आपको बताते हैं आपका राशिफल, उसके बाद वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे वास्तुशास्त्र के 5 ऐसे उपाय जिनसे जीवन में आप पैसा भी लाएंगे, सुख शांति भी लेकर आएंगे, सौभाग्य और समृद्धि की भी वृद्धि होगी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। दिन फायदेमंद साबित होगा और आप किसी पुरानी बीमारी में काफी आराम महसूस करेंगे। आज के दिन आपको उन दोस्तों से बचकर रहने की जरूरत है जो आपसे उधार मांगते हैं और फिर उसे लौटाते नहीं हैं। जिन लोगों से आपकी मुलाकात कभी कभी ही होती है उनसे बातचीत और संपर्क करने के लिए अच्छा दिन है। जिंदगी में एक नया मोड़ आ सकता है जो प्यार और रोमांस को नई दिशा देगा। जो लोग अब तक बेरोजगार हैं उन्हें अच्छी जॉब पाने के लिए आज और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत करके ही आप सही परिणाम पा पाएंगे। भरपूर रचनात्मकता और उत्साह आपको एक और फायदेमंद दिन की ओर ले जाएंगे। आपका जीवन साथी आज ऊर्जा और प्रेम से भरपूर है। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद। और उपाय के तौर पर आज के दिन स्त्रियों का भूलकर भी अपमान ना करें, उनको जो है उनकी इंसल्ट ना करें, उनको उनका आशीर्वाद लें, इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। आज के मनोरंजन में बाहर की गतिविधियां और खेलकूद को शामिल किया जाना चाहिए। जिन लोगों ने किसी अनजान शख्स की सलाह पर कहीं निवेश किया था, आज उन्हें उस निवेश से फायदा होने की पूरी संभावना है। जीवन साथी से झगड़ा मानसिक तनाव की ओर ले जा सकता है, वहीं बेकार का तनाव लेने की जरूरत नहीं है। जिंदगी का एक बड़ा सबक इस बात को मान लेना है कि बहुत सी चीजों का बदलना नामुमकिन होता है। आज आप जो है कोई दिल टूटने से भी बचा सकते हैं। वहीं जो जॉब या बिजनेस करते हैं, आज अनुभवी लोगों से जुड़कर यह जानने की कोशिश करें कि उनका क्या कहना है जीवन के बारे में। आज के दिन आप कोई रोचक मैगजीन या उपन्यास पढ़कर अपने दिन को अच्छी तरीके से व्यतीत कर सकते हैं। और वहीं आज इस राशि के मैरिड लोगों की बात की जाए तो पति या पत्नी आज हाल में ही हुई खटपट को भूलकर अपने अच्छे स्वभाव का आपको परिचय देगा। गृहिणियों को आज अपनी बोली पर थोड़ा सा कंट्रोल लगाने की जरूरत है। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। और उपाय के तौर पर आज के दिन आपको जो है शिव जी की पूजा करनी है, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। आपका सबसे बड़ा सपना हकीकत में बदल सकता है, लेकिन अपने उत्साह को काबू में रखें क्योंकि ज्यादा खुशी भी परेशानी का सबब बन सकती है। जिन लोगों की जीवन में भी पैसों की तंगी आ रही थी, आज भी दो दिन ऐसे ही चलता रहेगा। आप पैसों की कमी से जूझते रहेंगे, परेशान रह सकते हैं और अपने किसी दोस्त से उधार मांग सकते हैं।
दोस्तों और परिवार के साथ यानी फैमिली लाइफ आज अच्छी बीतेगी, उनके साथ अच्छा समय बिताएंगे। वहीं लव लाइफ की बात की जाए तो आज के दिन आपके पार्टनर के साथ आप अच्छा इक्वेशन शेयर करेंगे। बात करें जो जॉब या बिजनेस करते हैं उनकी, तो तब तक आज कोई वादा ना करें जब तक आप पूरी तरीके से उसे पूरा करने में सक्षम ना हो। अब बात करते हैं इस राशि के छात्रों की, तो किसी भी स्थिति में आज आपको अपने समय का ख्याल रखना चाहिए। याद रखिए, अगर समय की आप कद्र नहीं करेंगे तो इससे आपको ही नुकसान होगा। जीवन साथी के साथ आज की शाम वाकई कुछ खास होने वाली है। गृहिणियों की बात की जाए तो आज घर में धन की कमी को लेकर आप परेशान रहेंगी। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी, और उपाय के तौर पर आज के दिन गायत्री मंत्र व गायत्री चालीसा का पाठ करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की और जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा बीतने वाला है। आज के दिन अगर आप मानसिक शांति चाहते हैं तो दान पुण्य के काम में सहभागिता करें। आपको साथ ही आज के दिन धार्मिक चीज़ों में भी मन लगाने की ज़रूरत है। पैसों की बात करें तो आज के दिन आप पैसा कमा सकते हैं, बशर्ते आप खुद पर विश्वास रखें। फैमिली लाइफ में आज आपकी भरपूर ऊर्जा और ज़बरदस्त उत्साह आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिलाएंगे। घरेलू तनाव को दूर करने के लिए आपको अपनी पॉजिटिविटी को जगाए रखने की ज़रूरत है। लव लाइफ की बात करें तो आज प्रेमी के साथ आप जो है बातचीत नहीं कर पाएंगे। आज के दिन आप उनसे ज़्यादा जुड़ नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आप काफ़ी टेंशन में रह सकते हैं। अब बात करते हैं जो लोग जॉब या बिजनेस करते हैं उनकी, तो काम में मन लगाए और जज्बाती बातों से आज बचें। आपको आज के दिन जो है मन से नहीं सोचना है, आज आपको दिल से नहीं दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। काम में एकाग्रता को बनाए रखना चाहते हैं तो हर दिन जो है दिन की शुरुआत योग और ध्यान से करें, इससे आपको जो है कॉन्सेंट्रेशन में आपको मदद मिलेगी। वहीं बात करते हैं अब इस राशि के छात्रों की, तो आज किसी अहम मुद्दे पर आप घर वालों से बैठकर बातें कर सकते हैं, उनसे उनकी राय जान सकते हैं और जिस भी परेशानी में आप फंसे हैं उसका हल भी ज़रूर निकलेगा। मैरिड लोगों की बात करें तो आज के दिन आप पति या पत्नी का एक साथ में कुछ समय बिताना बेहद ज़रूरी होगा, क्योंकि आज के दिन अगर आप एक दूसरे के साथ समय नहीं बिताते हैं तो मन में कुछ गलत फहमियाँ जो हैं वो घर कर सकती हैं। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला और नीला, और उपाय के तौर पर आज गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं या उनको कुछ पैसे दान में दें, इससे प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। आज के दिन आप अपनी सेहत को सुधारने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होगा, ऊर्जा होगी, तो इसीलिए अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। हेल्थ में सुधार लाने के लिए कुछ ना कुछ खास करें। पैसों की बात करें तो जो लोग काफ़ी वक्त से आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे उन्हें आज कहीं से धन प्राप्त हो सकता है, जिससे जीवन की कई परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं इस राशि के लोगों की फैमिली जीवन की यानी पारिवारिक जीवन की, तो आज के दिन आप जो है कोई बढ़िया योजना बनाकर अपने परिवार के लोगों का दिन जो है खुशनुमा कर देंगे। लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन जो है खुशमिजाज रखेगा। आज के दिन आपको काफ़ी जो है प्यार मोहब्बत के मामले में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वहीं अब बात करते हैं इस राशि के जॉब और बिजनेस करने वालों की, तो अपने उद्देश्यों की ओर शांति से बढ़ते रहें और सफलता मिलने से पहले अपने पत्ते बिल्कुल भी ना खोलें। इस राशि के लोगों की अगर बात करें हम छात्रों की, तो आज के दिन आप घर के छोटों के साथ या हो सकता है परिवार के किसी सदस्य के साथ बैठकर बातचीत करेंगे, जिससे मन काफ़ी हल्का होगा। मैरिड लोगों की बात करें तो जीवन साथी की खूबियों के चलते आज आप एक बार फिर से उनके प्यार में गिरफ्तार हो सकते हैं। गृहिणियों की बात की जाए हाउसवाइफ की, तो आज काम की अधिकता आपके ऊपर रह सकती है, तो अपने काम को जो है स्मार्टली हैंडल करें, ना कि उस चीज़ का तनाव लें, इससे आपकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी, और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है आपको, आज के दिन माता या माता तुल्य स्त्री का आशीर्वाद लेना है, इससे नौकरी और बिजनेस में उन्नति होगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। आपका व्यक्तित्व आज इत्र की तरह महकेगा और सबको आकर्षित करेगा। आपका कोई पुराना मित्र आज कारोबार में मुनाफा कमाने के लिए आपको सलाह दे सकता है, अगर इस सलाह पर आप अमल करते हैं तो आपको धन लाभ जरूर होगा। आपका मजाकिया स्वभाव आज सामाजिक मेलजोल की जगहों पर आपकी लोकप्रियता में इजाफा करेगा। लव लाइफ की बात करें तो आपका लव पार्टनर आज आपसे वादे की मांग करेगा, लेकिन ऐसा कोई भी वादा ना करें जिसे आप पूरा ना कर सकें। आज नौकरी बदलना मददगार साबित होगा, यानी अगर आप जॉब में चेंज चाहते थे तो आज के दिन उस मामले में इनिशिएटिव लेना आपके लिए सही रहेगा। आप अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़कर किसी नए क्षेत्र जैसे कि मार्केटिंग वगैरह में जा सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए मार्केटिंग फील्ड काफ़ी बेटर रहेगा, तो आज के दिन जो लोग मार्केटिंग में जाना चाहते हैं आज के दिन अपनी जॉब के लिए आपको स्टेप ले सकते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं आज इस राशि के छात्रों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप आज खाली समय में किसी से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करेंगे और एकांत में आनंदित रहेंगे। मैरिड लोगों की बात करें तो आपका प्यार आपका जीवन साथी आपको कोई खूबसूरत तोहफा दे सकता है। शुभ अंक की बात करें तो वह 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी, और उपाय के तौर पर अपनी जेब में एक सुगंधित रुमाल रखें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से
चार स्टार। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे तुला राशि के जातकों की। जब आप कोई फैसला लें तो दूसरों की भावनाओं का खास ख्याल रखें। आपका कोई भी गलत निर्णय न केवल उन पर खराब असर डालेगा बल्कि आपको भी मानसिक तनाव देगा। पैसों की बात करें तो आज आपका धन कई चीजों पर खर्च हो सकता है। आपको अच्छा बजट प्लान बनाकर चलने की जरूरत है, इससे आपकी कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। एक मजेदार शाम के लिए दोस्त आज जो है आपको कॉल करेंगे और आज हो सकता है आप घर पर भी एक छोटा सा गेट टुगेदर करें। घर वालों को खुश करने के लिए कुछ खास कोशिश करते आप नजर आएंगे। लव लाइफ की बात करें तो जो सिंगल हैं आज आपको पहली नजर में किसी से प्यार हो सकता है, वहीं जो ऑलरेडी किसी के प्रेम में हैं उनके लिए दिन आज सामान्य बीतेगा। आज खुद को जॉब में या बिजनेस में अभिव्यक्त करने के लिए अच्छा दिन है और ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कीजिए जो कि काफ़ी क्रिएटिव हों। कोई आध्यात्मिक गुरु या बड़ा आज आपकी जो है स्टूडेंट्स की सहायता कर सकता है। वहीं मैरिड लोगों की बात करें तो आज जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक होने वाला है, आप प्रेम की गहराई का अनुभव करेंगे। गृहिणियों की बात करें तो घर में किसी बुजुर्ग की सेहत खराब हो सकती है जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान नजर आएंगी। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग है क्रीम और सफ़ेद और उपाय के तौर पर पार्वती मंगल स्रोत का पाठ करें, फैमिली लाइफ अच्छी चलेगी। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। अध्यात्म की सहायता लेने का सही समय है क्योंकि मानसिक तनाव को मार भगाने के लिए यह सबसे बेहतरीन विकल्प है। ध्यान और योग आपकी मानसिक मजबूती को बढ़ाने में कारगर रहेंगे। आपको कई स्रोतों से आर्थिक लाभ होगा। ऐसे मुद्दों पर बात करने से बचें जिनको लेकर प्रियजनों से वाद विवाद होने की संभावना है। अपने लव पार्टनर को आज निराश न करें क्योंकि ऐसा करने की वजह से बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। आज आपके बॉस का बढ़िया मिजाज पूरे कार्यालय के माहौल को अच्छा बना देगा। खाली वक्त का आज सदुपयोग करेंगे और उन कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे जो बीते दिनों में पूरे नहीं हो पाए थे। जीवन साथी के साथ आज का दिन काफी आरामदायक बीतेगा। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून और उपाय के तौर पर ओम भौमाय नमः इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करें, लव लाइफ ठीक रहेगी। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। आपकी व्यक्तिगत समस्याएं मानसिक शांति को भंग कर सकती हैं। मानसिक दबाव से बचने के लिए कुछ रोचक और अच्छा पढ़ें। आज पैसे कमाने के नए मौके मुनाफा देंगे। वहीं परिवार की स्थिति आज वैसी नहीं रहेगी जैसा आप सोचते हैं। आज घर में किसी बात को लेकर कलह होने की संभावना है, ऐसी स्थिति में खुद पर काबू रखें। क्या आपने कभी गुलाब और केवड़े की महक को एक साथ महसूस किया है? आज आपकी जिंदगी प्यार मोहब्बत के नजरिए से ऐसे ही महकने को है। अपनी कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का सहारा लें। आपकी शैली और काम करने का नया अंदाज उन लोगों में दिलचस्पी पैदा करेगा जो आप पर नजदीकी से गौर करते हैं। आज आप खुद को लोगों के ध्यान के केंद्र में पाएंगे जब कोई आपको किस सहयोग से पुरस्कृत होगा या सराहा जाएगा। आपका जीवन साथी अन्य दिनों की अपेक्षा आज आपका ज्यादा ख्याल रखेगा। शुभ अंक जान लेते हैं तो आज आपके लिए लकी नंबर है 6, लकी कलर है पारदर्शी और गुलाबी और उपाय के तौर पर आज ज्ञानी विद्वान और न्यायकर्ता लोगों का सम्मान करें, पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद सेहत अच्छी रहेगी लेकिन इसे हमेशा के लिए सच मानने की गलती ना करें। अपनी जिंदगी और सेहत का सम्मान करें। आज किसी विपरीत लिंगी की मदद से आपको कारोबार या नौकरी में आर्थिक लाभ होने की संभावना है। घरेलू काम थका देने वाला होगा और इसीलिए मानसिक तनाव की वजह भी बन सकता है। आज के दिन आप किसी कुदरती खूबसूरती से खुद को सराबोर महसूस करेंगे। जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए कि सारा काम पूरा हो चुका है, दस्तावेज अपने वरिष्ठ को ना दे। आप खुद को समय देना जानते हैं और आज तो आपको काफ़ी सारा खाली समय भी मिलने की संभावना है। खाली समय में आज आप कोई खेल खेल सकते हैं या जिम जा सकते हैं। दोस्तों कहते हैं स्त्रियां शुक्र और पुरुष मंगल ग्रह के रहने वाले हैं लेकिन आज के दिन विवाहित शुक्र और मंगल एक दूसरे में घुल जाएंगे। शुभ अंक की बात करें तो वो है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी और उपाय के तौर पर आज के दिन जो है अपने घर के बड़ों का सम्मान करें, पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा। भाग्यस्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। आज आप खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं जो आपको तंदुरुस्त बनाए रखेगा। अगर आप लोन लेने वाले थे और काफी दिनों से इस काम में लगे थे तो आज के दिन आपको लोन मिल सकता है। अपने परिवार को पर्याप्त समय दें, उन्हें महसूस होने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। उनके साथ अच्छा वक्त बिताएं और शिकायत करने का मौका ना दें। आज आपको प्यार का जवाब प्यार और रोमांस से मिलेगा। दूसरे आपसे काफी ज्यादा समय की मांग कर सकते हैं। उनसे किसी भी तरह का वादा करने से पहले यह देख लें कि आपका काम उससे प्रभावित ना हो और साथ ही वे आपकी उदारता और सहृदयता का गलत फायदा ना उठाएं।
आज आपको अचानक किसी अनचाही यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से घर वालों के साथ समय बिताने का आपका प्लान खराब हो सकता है। आज का दिन शादीशुदा जिंदगी के सबसे खास दिनों में से एक होगा। आप प्रेम की गहराई का अनुभव करेंगे। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी। और उपाय के तौर पर आज जरूरतमंद व्यक्ति को आर्थिक मदद दें, इससे नौकरी और बिजनेस में उन्नति मिलेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। दोस्त आपका परिचय किसी खास इंसान से कराएंगे, जो आपकी सोच पर गहरा प्रभाव डालेगा। व्यापार में मुनाफा आज कई व्यापारियों के चेहरे पर खुशी ला सकता है। पारिवारिक परेशानियों को हल करने में आपका बच्चों जैसा मासूम बर्ताव अहम किरदार अदा करेगा। आज आपके जहन में काम का दबाव होने के बावजूद आपका लव पार्टनर आपके लिए खुशी के पलों को लाएगा। आज का दिन समझ बूझ के कदम उठाने का है, इसीलिए जब तक अपने विचार व्यक्त ना करें तब तक आप उसकी सफलता के लिए आश्वस्त ना हो। आज आप सारे रिश्तों और रिश्तेदारों से दूर होकर अपना दिन किसी ऐसी जगह पर बिताना पसंद करेंगे, जहां जाकर आपको शांति प्राप्त होती है। आपके वैवाहिक जीवन में शारीरिक सुख के नजरिए से कुछ खूबसूरत परिवर्तन हो सकता है। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। और उपाय के तौर पर आज के दिन अपनी जेब में एक लाल रंग की कोई वस्तु रख लें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि मई महीने का आखिरी दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। हमने आपको राशिफल बताया, पंचांग बताया, साथ ही वीडियो की शुरुआत में जैसा कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि किन उपायों से वास्तु शास्त्र के आप अपने जीवन में सुख शांति ला सकते हैं, धन सौभाग्य और समृद्धि ला सकते हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे पास 2 तरह की ऊर्जा मौजूद रहती है हमारे आसपास, एक नकारात्मक ऊर्जा और एक सकारात्मक ऊर्जा। नाम से ही जाहिर है, नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन पर बुरा प्रभाव डालती है और वहीं सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव शुभ होता है। वास्तुशास्त्र मानता है कि ये नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा के द्वारा हमारे जीवन को प्रभावित करने की प्रक्रिया पूरी तरह से हमारे आसपास मौजूद वस्तुओं पर निर्भर करता है। वास्तुशास्त्र यह भी मानता है कि हर दिशा पर किसी न किसी देवता का आधिपत्य है। ऐसे में गलत दिशा में रखी गई गलत वस्तु नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है और साथ ही देवताओं को भी रुष्ट करती है। ऐसे में मैं आपको आज 5 ऐसी जो है वास्तु उपाय बताने वाली हूँ, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य आएगा। तो पहला उपाय है, सूर्य सभी ग्रहों के राजा माने जाते हैं। एक मनुष्य के आत्मा का कारक भी सूर्य को माना गया है। सूर्य यदि बलि हो तो ऐसा जातक अच्छी नौकरी पाता है, उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और साथ ही ऐसे जातक समाज में काफी मान और सम्मान अर्जित करता है। ऐसे में आपको वास्तु नियमों के अनुसार घर के पूर्व दिशा में सूर्य यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। यदि आपके घर का मुख जो है पूरब की ओर है तो आप घर के मुख्य द्वार के बाहर या ऊपर भगवान सूर्य की कोई प्रतिमा या तस्वीर अवश्य लगाएं, इससे आपके जीवन में चल रही नौकरी की समस्या का अंत होने की संभावना बनेगी, साथ ही साथ समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। दूसरा उपाय, सूर्य की ही तरह उनके पुत्र भी 9 ग्रहों में शामिल हैं। शनि 3 लोकों के न्यायाधीश माने जाते हैं। उनकी कुदृष्टि जिस पर पड़ जाए उनका अनिष्ट होना निश्चित है। ऐसे में जिन जातकों के जीवन में इस समय शनि की 7.5 या फिर शनि की ढया चल रही हो, उन्हें घर की पश्चिम दिशा में शनि यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही आप अपने घर के मुख्य द्वार पर हर रोज 1 लोटा पानी जरूर डालें, इससे शनि देवता की आप पर कृपा बनेगी, साथ ही आपको आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय है, घर के में एक मुख्य कांच अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में नहीं है तो लगवाएं। ध्यान रहे कि 2 कांच आमने सामने ना हो, साथ ही दीवार के मुख्य द्वार जो है या दरवाजे पर कांच नहीं लगा होना चाहिए। घर का मुख्य कांच हमेशा पूर्व या फिर उत्तर के दीवार पर लगा हो। इस दिशा में कांच लगे रहने से शुभ फल प्राप्त होता है। वास्तु नियमों के अनुसार जो है उत्तर दिशा में लगे मुख्य कांच से धन की वृद्धि होती है। अब बताते हैं आपको चौथा उपाय, किसी भी घर में रसोई का स्थान बहुत ही अहम होता है। ऐसे में यदि आप जो है आपके घर की रसोई ईशान कोण में है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में हो, तो इस रसोई में खाना पकाने वाले चूल्हे को हमेशा आग्नेय कोण में रखें, साथ ही साफ बर्तनों को रसोई के ईशान कोण में रखें। वास्तुशास्त्र के नियम कहते हैं कि ऐसा करने से रुका हुआ धन प्राप्त होने लगता है। और अब 5वां और आखिरी उपाय है कि घर के मुख्य दरवाजे पर घोड़े की नाल टांग दे। ध्यान रहे कि घोड़े की नाल का मुख नीचे की ओर हो, इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी, साथ ही यह बुरी नजर से भी घर के सदस्यों को बचाने में सहायक सिद्ध होता है। तो ये कुछ 5 उपाय है वास्तु के, जिनको अगर आप करते हैं तो घर में धन सौभाग्य समृद्धि सुख शांति सब चीजें आएंगी जो है। और अगर कोई सवाल है, समस्या है, नहीं समझ में आई कोई चीज और आप चाहते हैं कि आप जो है हमसे बात करें, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स
बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बाकी अगर कोई जेनरिक क्वेश्चन है तो ज़रूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर दूंगी। जाने से पहले जिन लोगों का जन्मदिन है उनको आज जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रो टीवी। नमस्कार।